यार ये क्यों हम तो अपना बेस्ट बेस्टी फ्रेंड ऑफ आवर मिल हम गए ना भाई, बेस्ट क्यों फ्रेंड। हमारा भी तो बेस्टी टाइम है भाई साहब। हम बोल थैंक यू दादा, गुड नाइट। और बताओ गाइस, और क्या पूछना है आज के एपिसोड से रिलेटेड, और कल का एपिसोड कैसा लगा तुमको, एंटरटेनमेंट वाला? तुम दोनों ने देखा कल वाला एपिसोड? हाँ तूने वो सबसे डेंजर कल वो क्या था बोल तो, तूने वो लड़का को बोला ना, तूने वो कड़ा मांगा ना उससे, ये अभी तूने भी ब्रेसलेट मांगा, फिर बोला कि ब्रेसलेट मांग के भाई मैं रुके। रिटर्न कर दूंगा तुझे, अब भी रिटर्न कर दे तू चल दिया। तू हर हर जगह वैसे ही बोल रहा था, पैसा भी मांग रहा था तो बोल रहा था मैं लुटा दूंगा, मैं लुटा दूंगा बोल के भाग रहा था। गाइज कुछ लोग लिख रहे हैं, आर यू गाइज हेट आकृति? वी डोंट, देखो वी डू नॉट हैव हेट नाइदर एनीथिंग सी सिंस बात नो है, बडी। गेम है, गेम में सब लोग एग्रेसिव होते हैं, बहुत सारे डिसीजन सबके जैसे अपने हिसाब से होते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज टेबल है टर्न, और मैंने कभी भी बातें नहीं करी बड़ी बड़ी कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बट जब भी मौका मिला है एग्जैक्टली अनिकेत तुमको भी पता है, जब भी मौका मिला है बस दिल से परफॉर्म किया है, बस और कुछ नहीं किया है। मैं आज वही वाली था। क्लास में वो लोग हार गए भाई। गाइस देखो हर किसी का दिन होता है, अगर आज आज हम लोग जीते हैं तो कल वो भी जीत सकते हैं, कल कोई और भी जीत सकता है, और टास्क सारे कब किसका लक चल जाए पता नहीं चलता, बट लकीली हम लोग जीत गए और हम लोगों ने प्रूव कर दिया, बस बात खत्म। गाइज हम कभी भी जाके मुंह पे कभी नहीं बोलते थे किसी को कि मेरा टारगेट तू है, मैं परफॉर्म करने से पहले तो हम कभी ज्यादा बड़ा बात करते भी नहीं थे, हम करके दिखाते थे, अगर हार भी जाए तो हमको किसी के साथ बीफ भी नहीं। यार देखो हारो तो ग्रेसफुली हारो, पर जीतो तो ग्रेसफुली, तो बात खत्म, कोई हेट है ही नहीं उसमें। एक बात पूछना चाहता हूँ तुझे, तू सच सच बताना, मजाक नहीं कर रहा, पूछ झूठ मत बोलना। पूछ कभी भी स्पिरिट्स फिल्म में कभी भी ऐसा हुआ कि आके हमने कभी प्लानिंग प्लॉटिंग किया, टास्क जीत के भी कभी किया प्लानिंग गाइस प्लॉटिंग? देखो जिन लोगों को पता होता है ना उनको ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की जरूरत पड़ती नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि डिकी अनिकेत का तो पहला शो था, एक वो रीजन है कि ये लोग ज्यादा इतना व्यस्त नहीं रहते थे लोगों के सामने चीजें बोलने में, वो अपने 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 आप पे ध्यान देते थे, और उनको थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे भी होती थी, बट वो लोग अपने आप में ही ज्यादा रहते थे मेजरली। हाँ एग्जैक्टली। और हमारे विला में सबसे ज्यादा नींद किसका पूरा हुआ है पता है? किसका? अनिकेत का। ये ना तो रियलिटी में आता है, सिर्फ क्या है, टास्क परफॉर्म किया, जीता सोया, जीता सोया, टास्क परफॉर्म किया, आया सोया, वैसा ही होता था। इसका नींद पूरा हुआ है नो सबसे ज्यादा। नहीं 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 मैं मुझे एक चीज खाली क्लियर करना था। सो ये डोम फ्लिपर वाली बात है ना, दैट इज नॉट गुड टू बी सेड, बिकॉज अनटिल अनलेस तुम प्लॉटिंग नहीं कर रहे हो किसी के साथ बैठ के, यू आर नॉट प्लानिंग कि किसको वोट आउट करे, किसको टारगेट करे, तब जाके अगर डोम पे यू डू अनदर स्टफ, आप जाके किसी और का नाम लिख दो या कुछ चीजें उलट पुलट हो जाए, तब इट्स वेरी, उसके बाद डोम फ्लिपर कहलाना इट्स वेरी ओके। बट आप प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करे उसके बाद आप सुन रहे हो ये डोम फ्लिपर, तो वो सही नहीं यार। बात सही है। और गाइस मुझे ऐसा लगता है यार, देखो ये शो जो है ना, शो मुझे लगता है आपको अपनी जर्नी एंजॉय करनी चाहिए, इसीलिए मैं जहां पर भी होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोग खुश रहे, एंटरटेनमेंट चलते रहना चाहिए, क्योंकि वो एक आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जब शो देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमारा एंटरटेनमेंट क्या होगा इस चीज से। तो एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, जब भी आप किसी शो पे हो तो आप ऑडियंस को क्या दे रहे हो वो बहुत मैटर करता है इन जनरल। इसलिए भाई मजे करो, और बाकी हेट वालों को देखो, जो जशकृति वाले यहाँ पे हैं जो लिख रहे हैं कि फ्लिपर और ये वो, अपने घर जाओ भाई, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ फिर, ठीक है? तुमसे नहीं हो पा पता रहा है, नहीं देख अभी एक्चुअली चलो मैं पता गिना देता हूँ। हाँ डांस चैलेंज ये लोग हारे, ठीक है, आज ये लोग हारे, हम लोग फिर भी फ्लेक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक हाँ है, बट जो है ये वो है छोड़ दो सारी ये छोड़ दो, चीज। मैं और एक बात बोलूंगी, वो जो सिंगिंग वाला करके सोबिका के साथ था वो भी हारे, ये वाला भी हारे, अब आने वाला भी सब कुछ, और क्या भाई साहब किस चीज का भाईकर, हम तो कभी भाईकर दिखाते नहीं है, वही और तो कितना हारोगे भाई, और हार के भी इतना ज्यादा फुटंगे किस चीज का। बस बस उठना नहीं बोलना बट यार। फिर हम लोग बोलेंगे यार चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, अब नहीं लगती हैं, टू बी ऑनेस्ट हो गया, बहुत एग्जैजरेट हो गया, सबने सबको देख लिया, कौन असली है कौन नकली है, सबने सबका जजमेंट पास हो गया, बट नाउ हाँ नो वो हेट टू एनीबॉडी, ठीक हाँ नो है? हेट टू एनीवन, बट वो ये आकृति हमारा इन पर्सन कुछ किसी के साथ एंड यार बीफ भी नहीं है। निकला निकला एक और पॉइंट, पता है एक पोस्ट डाल दिया था मैंने जब मुझे बुरा लगा श्वेत और इशिता वाले डोम में, कि यार वो लोग एलिमिनेट हो गए, जिस तरीके से वो डोम पोर्ट्रे किया मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने तुम लोगों को भी कॉल पे बोला था राइट, तो मैंने वो हाँ वीडियो डाला, उस वीडियो के नीचे जाकर भी कमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियो के नीचे, किसी ने रील पे पोस्ट कर दिया, और उस
के बाद भी लिख रहे मुझे, मैं फुटेज ले रहा हूँ इन लोगों से, बताओ पपेट से मैं फुटेज क्या लूंगा भाई, कौन है भाई तू? गाइस गाइस, ज्यादा बोल के स्क्रीन टाइम मिल जाता है, बट परफॉर्मेंस भी थोड़ा, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। और वो ज्यादा इन हम बातों लोग की जो मतलब वो अभी वही बताते हैं उस पे तो, भी ध्यान दो, जिसको देना है दो, और बट परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दो मैं भाई साहब। वही तो देखी सुनना, मैं तो उतना बोलता भी नहीं हूँ, बट अभी जब रिसेंटली मुंबई से आया तब जो बड़े बाप बैठे हुए हैं वो खुद बोल के गए, अगर तू थोड़ा अनिकेत, अगर तू थोड़ा ज्यादा बात कर लेता तो किसी में उतना दम नहीं था कि मुझे हिला देता शोर से। ऑफ कोर्स यार, अनिकेत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर भाई, हमको पता है। जब भी हम लोगों ने परफॉर्म किए चीजें, आगे भी तुम लोग देखोगे सारी चीजें भाई, नहीं अच्छी जाती थी उतना जितना हम लोग हम सोचते थे। ऊपर कई बार सुन वाले के मिल के आए थे उधर। तुम साथ में थे हाय मिटो पिंकी पोंकी को, कैसे पिंकी पोंकी कैसे हो आप? हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। इसने हटा दिया मैं वो तो वाला। एपिसोड एपिसोड ही लाइव कर रही थी अभी, मतलब कर चुकी हूँ लाइव अभी, प्रमोट कर और रही गाइस इसके चक्कर में थी। मैंने इनका एपिसोड टेक डाउन किया था, सब लोग जाकर वापस यूट्यूब पे देख यस लेना यस गाइस, प्लीज दोनों एपिसोड जाके देखना और दोनों पे देना। कैसा ये निकल गया है अभी। अच्छा था, कैसा बहुत अच्छा था, परफॉर्म किया हम लोग। बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज ऑल ऑफ यू विन हाँ ऑल ऑफ यू ट्रॉफी विनर, इन द हार्ट्स एज वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू श्रेया जी। और जल्दी मेन तो आओगी दिल मैं, जीतना है, मेन तो हाँ लोगों का दिल जीतना है। शेर को लगता है उससे बड़ी कोई चीज है, दिल जीतने से बड़ी कोई चीज है, इट्स डिपेंड्स डिपेंड। कि ओए तूने किसके फिर लिए मुझे जीते। जीत मेरे लिए लिया, इम्पोर्टेंट फिर है जीतना जीतना ट्रॉफी, ट्रॉफी। ठीक नहीं, ट्रॉफी जीतना है। भी इम्पोर्टेंट है, बट ट्रॉफी के साथ साथ अगर दिल भी जीते, दोनों बढ़िया है, बट ट्रॉफी के आगे दिल है तो भाई साहब दिल। अच्छा अगर ट्रॉफी के साथ दिल जीतो तो बात अलग है, हाँ ये भी एक बात हाँ, है, और अगर ना जीतो तो और कभी कभी किसी के लिए ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, कितना स्ट्रगल हाँ करके। तो ट्रॉफी, हाँ ट्रॉफी भी इम्पोर्टेंट है, बट उतना गाली गाली खा के तो भाई साहब बट नहीं। मेरे लिए दिल, आई थिंक मुझे मुझे वो लगता है, ट्रॉफी अगर तो मुझे थी। इतना सही है, जल्दी आ मुंबई, फिर मिलते हैं। ओके ठीक है। हम आने वाले थे, हमारा कैंसिल हो गया, हमारा ही हम टर्न वाइज टर्न हॉस्पिटल पे बैठ रहे आगे। बीमार हो तुम दोनों? नहीं, मेरा सिस्टर एडमिट है ना अभी, इसलिए। मैं हॉस्पिटल ओ में हूँ जी। टेक केयर। ओके और नसला। श्रेया हाँ, का खुद का भी गला खराब है यार। बेचारा, आप भी ध्यान रखिए, ध्यान रखूँ? ठीक है, सुंदर परी, बाबा अरे तू मत दिखाई यार, बाबा क्यों रात यार कैसे बैठे हैं वही तो बाबा, मैं सुसु करके लाइव पे दिखते ही। रुको। डिड यू गाइस हेट अनिकार? नहीं, हम किसी को हेट नहीं करते, उधर भी नहीं करते थे, इधर भी नहीं करते। इट्स जस्ट दैट जब जो लोग हमको शुरू से कभी हमको, मतलब उन लोगों ने प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा भी नहीं, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रखे, तो उसके हिसाब से यू नो गाइस, हम हेट यार वगैरह मैं कुछ भी बताता नहीं है। हूँ, मैं बताता हूँ कि हर कोई तुम्हारी शो में प्रायोरिटी नहीं हो सकता, पहली चीज। और अगर तुम किसी को निकालोगे नहीं शो से तो तुम शो जीतोगे कैसे? एंड ऑफ द डे यू हैव टू विन, किसी को हरा के तो जीतना पड़ेगा ना, अगर ऐसे ही जीत जाओगे दो दो लोग थोड़ा ना जीत जाएंगे यार, ट्रॉफी तो एक के हाथ में जानी है ना। तो एंड ऑफ द डे दोस्त वाली जो प्रायोरिटीज होती है वो अलग होती है, जब तुमको शो जीतना होता है तो तुमको अपने हिसाब से भी गेम खेलना होता है बहुत सारा। तो आई थिंक Why बहुत सारी चीजें everyone अच्छे से against सस्टेन होती है। आकृति है रे? हम तो थे नहीं, एक बार आने वाला एपिसोड में शायद दिखाएगा। हम तो किसी के अगेंस्ट में थे ही नहीं उधर पे, हम तो सबके साथ मिलजुल के रहते थे। वो लोग ही हमारे पीछे पीछे बात करते थे, जाके अनसीन अनदेखा देखो ना, हम मुझे अनिकेत को कितना गाली दे रहा था। हम तो किसी के हम ही ओए भाई, मैं ना जितना भी हमारा झगड़ा हुआ ना, हर वक्त हम मैं तो मुंह पे बोलती थी भाई साहब, मुंह पे। बट वो लोग तो अनसीन अनदेखा पे पीठ पीछे बात कर रहा है भाई साहब। मतलब गट्स होता तो मुंह पे बोलता है ना। वही ना। बाकी बाकी गाइस अगला डोम देखना, ट्रिप में बड़ा मजा आएगा तुमको। डोम, माय गुडनेस डोम। अगला डोम बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरी चीज ये कि जितने भी लोग एडिट्स बना रहे हैं हम लोगों के प्यारे प्यारे, सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, क्योंकि गाइस आप लोगों के ऑफर्स हम जेन्युइनली बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बाय चांस हम लोगों में से किसी एक से भी आपका वीडियो छूट जाता है तो प्लीज नाराज मत होना, आप सब लोगों के वीडियोस हम लोग डेफिनेटली शेयर करेंगे, जो लोग भी आपने विनिंग के डाले। बॉलीवुड रुक रुक रुक, वन मोर बताना थिंग,
व्हाइल लक्ष्य फाइट विद अनिकेत वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. गाइस ये लोग जब विलापे थे तो दोस्त नहीं थे, लक्ष्य और अनिकेत ये लोग दोस्त नहीं थे, बट हम जब विला खत्म खत्म हो के हम वापस बाहर निकले तो हम सब दो मतलब हम सब नहीं अनिकेत और लक्ष्य दोस्त बन गए, ठीक है. बट एग्जाइल वाला दोस्त सिर्फ मेरा दोस्त था अंदर भी, और अनिकेत का दोस्त लोग था स्प्लिट्स विला का, शिविदा एडी देव ये लोग था दोस्त, जिन जिन लोगों ने इसको कभी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा ही नहीं. शिविदा थोड़ा बहुत रखते थे बट एडी देव कभी भी नहीं रखा.